हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फाइम। वेलकम बैक टू चैनल फाइम ब्लॉग्स। दो सीज़न ऐसे होते हैं, बरसात का सीज़न और साथ ही साथ तुम्हारे सर्दियों का सीज़न। इसमें सबसे ज़्यादा पशुओं की डिलीवरी होती है, पशु ब्याते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और ऐसा ही कुछ ये दो दिन से बकरी परेशान है, पीड़ित है। ऑनर इसको परचेज करके लेके आए थे और ये इनको ना तो इसकी टाइमिंग की पता है, लेकिन इनका मानना यह है कि जैसे चरने के लिए गई थी तो वहाँ पर ये बारी बारी बैठे जा रही थी रास्ते में, और साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि इसके पेट में दर्द हो। तो यहाँ पर गाइस हम इसको डायग्नोसिस कर रहे हैं। ये जोर लगा रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं अडर की बात करूँ तो अडर में धार उतर रखी है और पुट्ठे भी टूट रखे हैं। तो यहाँ पर हम डायग्नोसिस करने वाले हैं। ये देख सकते हैं हमने ग्लिप्स पहन लिए हैं। अब हम इसके बच्चों को पालपेट करके देखेंगे क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमने पहन लिया है ग्लिप्स। अब यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल हमने लगा लिया है और दो फिंगर की सहायता से हम देखेंगे कि बच्चे दानी का मुंह कितना खुला हुआ है, या इसको जो जोर लगा रही है ब्याने में क्यों असमर्थ है, क्या कंडीशन है फीटस की, ये सब पता हम आज की इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो ख़ास तौर से जब इस तरह की प्रेगनेंसी आप चेक करें तो ध्यान रहें कि किसी प्रकार की इंजरी, ब्लीडिंग और नाखून वगैरह ना लगे, जिससे कि बकरी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सके। तो यहाँ पर गाइज मैंने पता किया है कि यहाँ पर यूटरस का मुंह खुल चुका है और जो फीटस है वो उल्टा है, क्योंकि उसकी पूंछ मेरे हाथ में आ गई है और टांगे नीचे दबी हुई है। ये जोर लगा रही है लेकिन पीछा बच्चा जो है उल्टा होने की वजह से टांग नीचे दबी हुई है और जो पिछला पुट्ठा है उस पर जोर लगा रही है और बच्चा पूरी तरह खिसक के नहीं आ रहा है। अगर बच्चे का मुंह आगे होता है, जनरली बच्चे का मुंह आगे होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है और दोनों टांगों के ऊपर वो मुंह रखा होता है, तो जनरली ये बकरी जोर लगा के आराम से निकाल लेती है। तो पिछले दो दिन से ये परेशान है, इस हल्का हल्का तोड़ा डाल लेती है और इनका सुबह कहना है कि हल्का सा मुतैड़ी यानी वाटर बैग भी आया हुआ था। पूरी तरह वाटर बैग नहीं आया है, ये देख सकते हैं ग्लिप से अच्छी तरह हाथ नहीं चल रहा है, हालांकि मैंने और स्प्रिट लगा रखा है अपने हाथों पे। तो यहाँ पर मैं और मस्टर्ड ऑयल लेके, अब हमने पूरी इसकी कंडीशन मालूम कर ली है। ये देख सकते हैं आप, बकरी इतना ज़्यादा जोर लगा रही है कि वो पूरी तरह डिलीवरी कराने में सहायता कर रही है, लेकिन बच्चा टेढ़ा होने की वजह से, बच्चा उल्टी दिशा में होने की वजह से प्रॉपर ये नहीं निकल पा रहा है। ये देख सकते हैं खड़े से भी जोर लगा रही है, बैठ के भी जोर लगा रही है। इस स्थिति में अगर बच्चा टेढ़ा हो तो आपने घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है कि किस तरह से हमें इसकी, बच्चा तो देखो किसी भी मेथड से निकल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ है गोट की या कोई भी पशु की जान बच जाए। ये देख सकते हैं खाली अभी मैंने हाथ डाल के देखा है, लेकिन ये इस तरह के जोर लगा रही है जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। अब हम इसका साथियों कुछ ही पलों में बच्चा सीधा करके इसका फीटस निकालने वाले हैं। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा जोर लगा रही है। ये दिखाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो काम है, इतने दर्दों में हल्का फुल्का वाटर बैग आ जाता, लेकिन सुबह से ना तो कोई वाटर बैग आया और ये कंटिन्यूसली इसी तरह जोर लगा रही है। ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर गाइस देख सकते हैं मैंने डिलीवरी करा दी है और इसने पहले बच्चे को जो जन्म दिया है वो है फीमेल, और फीमेल बच्चा है और इसकी पूरी साफ़ सफाई हमने नाक में जो पूरी तरह इसको सांस मिल सके वो साफ़ कर दी नथनी, और जो भी इसका ऊपर डिस्चार्ज है वो बकरी खुद साफ़ कर देगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं और जो बकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कभी भी यहाँ अगर गंद ज़्यादा है तो उसको आप कपड़े से साफ़ कर दें, लेकिन कभी भी आप उसको बच्चे को नहलाएं ना पूरी तरह, उसको अगर ज़्यादा मोटा मोटा है तो कपड़े से साफ़ कर दें, बाकी अन्यथा बकरी को चाटने दें। उससे बकरी को जो तकलीफ हुई है डिलीवरी में, उससे हार्मोन बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, परेशानियों का जो सामना करना पड़ा है वो काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं जब हम किसी भी डिलीवरी कराते हैं या कोई भी बड़ा केस होता है तो लोग हाजुम लगा लेते हैं, लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और ऐसा करना भी गलत है, क्योंकि जब कोई माँ अपने बच्चे को या डिलीवरी के समय जन्म देती है तो उसके इर्द गिर्द
ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, कुछ भगवान ने, ईश्वर ने ऐसे सेंसिटिव पार्ट बनाए हैं कि शर्म की वजह से वो ऑर्गन गाइस वो बंद हो जाते हैं, और अगर बकरी बार बार भी आती है तो अगर लोग खड़े रहते हैं तो वहाँ पर वो ऑर्गन बंद होने लगते हैं। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, और ऐसी कंडीशन में हैं तो दूर ज़्यादा रखें लोगों को पास आने। तो ये दूसरे बच्चे को इसने जन्म खुद ही दे दिया है, ये देख सकते हैं आप। ये साथियों ये है फीमेल, वो मेल बकरा है जो फी काफ़ी एक्टिव है। इसकी जो रूट कंडीशन है वो सीधे तरीके से, अगला मुंह था और अगली दोनों टांगें थी, ये सही तरीके से इसकी डिलीवरी हुई है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ये गंदगी है, इस तरह की गंदगी को आप जो डिस्चार्ज है साफ़ कर सकते हैं मोटा मोटा, और जो यहाँ जहाँ पर कोई भी यहाँ रक्त है उसको हटा सकते हैं, और बच्चे को साफ करके बकरी के आप डाल सकते हैं आगे, जिससे वो अपने बच्चे को हेज सके, मान सके। अब यहाँ पर ये जो पहला बच्चा आप देख रहे हैं, इसको मात्र 20 मिनट हुई हैं अपने बच्चे को जन्म दे हुए, और बच्चा सीधा माँ के एन अडर की तरह भागने लगा। इस किस्मत से ऊपर वाले ने इसको डिज़ाइन करा है कि ठीक डिलीवरी के बाद जो जन्मजात का बच्चा होता है वो माँ के अडर के अंदर भागने लगता है, उसको पता होता है कि मुझे भूख लगेगी और मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। ये काफ़ी सोचने समझने वाली बात है। हम तो खैर इंसान हैं, हमें तो हर चीज़ की पता होती है कि जब भी डिलीवरी होती है तो माँ अपने बच्चे को, जब वो रोता है तो उसको फीड कराती है, फीडिंग कराती है। तो ये काफ़ी सोचने समझने वाली बात है। ये देख सकते हैं ये मेल है जो बकरी इसको चाट रही है, और इसके पीछे जो ब्लैक हल्का सा ब्लैक है या ब्राउन कलर का है वो फीमेल पैदा हुई है। तो इस डिलीवरी को कराने के लिए हमें लमसम एक घंटा लगा, क्योंकि एक बच्चा हमने निकाल दिया, फिर हमने दूसरे बच्चे की वेटिंग करी कम से कम 20 से 25 मिनट, और जब इसकी डिलीवरी सही तरीके से होगी, क्योंकि फिर उसके बाद में हमें थोड़ा देखना पड़ा। तो यहाँ पर एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि बच्चे को कभी भी जो बकरी ने जन्म दिया अपने बच्चे को, तो लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं, बकरी को गर्म पानी पिलाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर बकरी को आप गर्म पानी पिलाएंगे तो उसको ऐंट बन सकती हैं, ऐंट बनने से उसको दर्द हो सकता है, यूटरस बाहर निकल सकता है, तो ऐसे गलती आप ना करें। तो धन्यवाद। बरसात का मौसम हो चल रहा है और हम निकल रहे हैं दूसरी विजिट की तरफ। यहाँ पर इस कंडीशन में हमने फर्स्ट विजिट करा दी है, अब दूसरी बकरी की हम डिलीवरी कराने जा रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहाना है और ऐसे मौसम में काम करने का मज़ा ही अलग है। तो आप ब्लॉग को प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, इसी तरह आपका भाई आपके लिए कंटेंट लाता रहता है। ये देख सकते हैं एक बच्चे को जन्म दे दिया है और यहाँ पर ये दूसरा बच्चा नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर इसकी भी कंडीशन लमसम यही थी, तो हमने इसकी डिलीवरी करा दी। इसमें भी एक वाइट वाला फीमेल है और ये मेल है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये भी बच्चा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।